शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या ना आप ऐसा देख रही जैसे कभी मेहंदी नहीं देखा इससे पहले? हम तो इसलिए देख रहे थे क्योंकि ऐसा कहते हैं जिसके हाथ पर मेहंदी अपना गहरा रंग छोड़ती है ना, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। लो भैया, इसका क्रेडिट भी आपके लल्ला को ही जाता है। हा? नहीं नहीं, इसमें लल्ला का कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है उसके नसीब का जो उसे इतनी सुंदर और प्यारी बीवी मिली है। नजर ना लगे हमारी बहू रानी को। संतु संतु, जल्दी फोन लगाओ, हॉस्पिटल में फोन लगाओ। पुष्पा जी का तबीयत बिगड़ रहा है, कैरेक्टर से बाहर जा रही है, जल्दी करो। हाँ। चलो बहुत हुआ ये सब, चंद्रिका को फोन लगाते हैं, उसको बताते हैं कि वो अपना पति को गलत समझ रही थी और गलती तो उस टोपा उस जासूस की है। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हेलो। हाँ चंद्रिका, कहाँ हो? कहीं भी हो सकती हूँ, मॉल में हो सकती हूँ, क्लब में हो सकती हूँ, कहीं भी हो सकती हूँ। चंद्रिका प्लीज। क्या प्लीज? हाँ तुम खुद घर के बाहर जाके एंजॉय करो, पर बीवी चाहिए कि वो घर पे पानी का ग्लास लेके खड़ी रहे, है ना? तुम बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाओ क्योंकि वहाँ पे कहने और सुनने वाला तो कोई है नहीं, और मैं जरा घर से बाहर आ जाऊँ तो तुम्हारे फोन पे फोन आने लगते हैं। चंद्रिका मैं तो बस ऐसे, एनीवे घर कब तक आ रही हो वापस? तुम बताते हो या जो तुम टाइम मुझे देते हो उस टाइम पे घर आते हो कभी? चंद्रिका मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ यार, हो जाता है, इट्स अ प्राइवेट जॉब, यहाँ टाइम के शेड्यूल का कुछ फिक्स नहीं रहता। काश तुम समझ पाती। मतलब मैं ना समझूँ? हाँ अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं नहीं नहीं, मतलब तो तुम्हारा वही था ना, इनडायरेक्टली ही सही, यह तो मुझे बेवकूफी रहे हो ना। अरे चंद्रिका ऐसा कुछ नहीं है मैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, मैं बहुत बिजी हूँ, बाय। हेलो क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ नहीं यार, रोहित का फोन था, वही बस पूछ रहा था कहाँ हो तुम। हाँ तो बता देती कहाँ हो। क्या तुम भी? हाँ मैं बता देती जिससे उसको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता कि मैं कहाँ हूँ, घर पहुँचने मुझे कितना टाइम लगेगा। हाँ, ताकि वो आराम से रिलैक्स होके अपनी पूरी रंगरेलिया प्लान कर ले। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे जिसे पकड़ना होता है ना मैं डायरेक्ट अटैक करती हूँ। मैम आपकी गाड़ी बाहर आ गई है। ओके थैंक यू। पार्टी में मिले थी जी, अभी भी नहीं पहचाना। सॉरी पर मुझे याद नहीं आ रहा है। परजाई जी क्या गल कर रही हो, अब पार्टी शर्टी होती है, ज्यादा पी लियोगी? मैंने ओ मैंने जी, मैंने ज्यादा पी लियोगी इसलिए किसी और कोई और समझ लिया जी। लेकिन एक गल है, वो जो रोहित है उसकी लाइफ एकदम सेट है जी। और देखिए जी रोहित ने क्या किया है इस होटल में, मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला के नाम से बढ़िया सा एकदम स्वीट बुक कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मैंने देखा है रोहित, वो रिसेप्शन से रूम नंबर 102 की चाबी लिया, सेकंड हैंड हनीमून मुबारक। हनीमून 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 हनीमून। अच्छा तो ये बात है, रोहित और उसकी बॉस यहाँ पर आए हुए हैं, दोनों यहाँ पर रात गुजारने का प्लान बनाकर आए हैं, रूम नंबर 102 में है ना दोनों, इसीलिए पूछ रहा था ना कि तुम कहाँ हो। मिस्टर रोहित तुम तो गए आज, आज तो मैं तुम्हें देखती हूँ। काम हो गया है, तीर एकदम निशाने पे लगा है मैडम। बहुत बढ़िया, मतलब प्लान बिल्कुल हिसाब से चल रहा है, जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब चीता अपना काम ठीक से कर देना तो बस ये कहानी जो है ना इस केस का खत्म हो जाएगा। पर जब मैडम सर ने कहा ना
कि चंद्रिका को कुछ नहीं बताना, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, मेरा तो मतलब दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा तो ठीक है संतु, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैडम सर ने मुझे समझाया कि असल मायने में ये केस तभी सॉल्व होगा जब चंद्रिका के दिमाग से वो शक का भूत उतरेगा पुष्पा जी। हाँ हाँ ठीक है संतु, ठीक है। और वैसे भी आज ये डिटेक्टिव योगी उसका फायदा उठा रहा है, कल कोई और उठाएगा। शक के मारे इंसान का तो दुनिया में हर कोई फायदा उठाना चाहता है। ये बात चंद्रिका को समझानी होगी कि शक का जो तूफान है बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ डालता है। अब हमारे लल्ला के पप्पा को ही देखो, जवानी में मक्खियों की तरह भिनभिनाती थी सुंदर सुंदर लड़कियां उनके इर्द गिर्द, हैंडसम ही इतने थे। फिर हम, अरे सुनो तो आगे क्या हुआ ये भी तो सुनिए। फिर हमने लल्ला के पापा से कह दिया, अगर आपने किसी के साथ भी चक्कर चलाने के बारे में सोचा भी ना तो हम बालकनी से कूदकर हमारी जान दे देंगे। फिर क्या, उन्होंने घर ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि सॉरी तो हम कह रहे थे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो शक है ना, बड़े बड़े रिश्ते ले डूबा है। अब हर कोई मैडम सर की तरह होशियार समझदार बुद्धिमान थोड़ी ना है, जिन्हें ऐसी बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक मिनट, इसमें मैडम सर बीच में कहां से आ गए पुष्पा जी? हाँ, आपको उन तस्वीरों के बारे में पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही है। कौन सा तस्वीर पुष्पा जी? अरे वही तस्वीर है जो आज सुबह किसी ने एक एनवेलप में डाल के मैडम सर को भेजी है, जिसमें अनुभव सर की किसी लड़की के साथ ऐसी वैसी तस्वीरें हैं। का? हाँ, उनकी जगह कोई और होता ना तो अब तक तो सगाई टूट चुकी होती, मगर मैडम सर तो मैडम सर है। पहचान गई कि कोई ये तस्वीरों को जोड़ जाड़ कर अब मतलब फोटोशॉप। हाँ हाँ वही, फोटो के शॉप में जाकर ऐसी तस्वीरें बनाई हैं और मैडम सर और अनुभव सर के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। पुष्पा जी, आपने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों बताते, जब मैडम सर की तरफ से ये बात खत्म हो चुकी है तो हम क्यों बात का बतंगड़ बनाए फिर? हाँ, पर कहाँ से आई है तस्वीर, किसने भेजा है, ये तो पता होगा? नहीं, वो तो पता नहीं चला, मगर ये तस्वीरें भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रोहित और उसकी बॉस की फर्जी तस्वीरें बनाई गई थी, इसलिए हमें तो लगता है कि ये काम भी उसी इंसान का है। संतु, वो एविडेंस वाला अलमारी में एक लैपटॉप पड़ा है, सामने रखा, फटाक से लेकर आओ। योगी का? योगी से सबूत के तौर पे रखवाया है वकील को देने के लिए, इसमें पता चल जाएगा ना कि अनुभव भैया का फोल्डर है कि नहीं, कहीं उसने कोई काम ना किया हो। नहीं, मगर उसके लैपटॉप में अनुभव सर का फोल्डर कैसे हो सकता है? वही पुष्पा जी, हम वही कह रहे हैं, आपने कहा ना कि ये काम जो है एक इंसान कर सकता है, तो हो सकता है रोहित का फोटो और अनुभव सर का फोटो एक ही आदमी ने फोटोशॉप किया हो, समझ रही हैं आप बात को? और ये योगी टोपा के अलावा और वो कौन हो सकता है? तुम लैपटॉप यहाँ रखो और देखो उसमें अनुभव सर का नाम का फोल्डर है कि नहीं। ये एक मिनट, ये रहा, अनुभव सर की फोटोज भी है। ये तो वही तस्वीरें हैं जो आज सुबह मैडम सर को भेजी गई थी। इससे एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये दोनों काम एक ही आदमी योगी का है। अभी ये पता लगाना है कि करवा कौन रहा है उससे। अब जब मुर्गी हमारे हाथ में आ गई है ना, तो मुर्गी बताएगी कि उसने अंडा कहाँ कहाँ दिया है, ये योगी का बच्चा ही बताएगा कि किसने, किस टोपा इंसान ने उससे ये घटिया काम करवाया है। नहीं, मगर योगी को तो बड़े लॉकअप भेज दिया गया है ना। बस पुष्पा जी, एक बार ये चीते का सेटअप निपट जाए, केस किनारे लग जाए, फिर हम अपने तरीका से निपटेंगे इस योगी के बच्चे से। चीते का माई कौन हो गया? हो गया, हो गया। चांदनी, हमारा चांदनी, किधर था तुम, किधर था? तुम्हारा इंतजार में हम पानी पानी हो गया। ए हेलो, मैं कोई चांदनी वानी नहीं हूँ, और तुम कौन हो, कहाँ घुसे आ रहे हो? हम वही है जिसने तुमको हायर किया है। ए, दिमाग खराब है क्या? खानदानी परिवार की शादीशुदा औरत हूँ मैं,
पता चला था कि मेरा पति अपने बॉस के साथ यहाँ पे रंगरेलिया मनाने आया था तो सिर्फ रंगे हाथ पकड़ने आई थी, पर शायद गलत कमरे में आ गई। गलत कमरा? अरे कोमलिका, अरे जुलिका, दिले बहाड़ गुले गुलजार, ए दरवाजा ऑटोमेटिक है, जब भी कोई इंसान इस दरवाजे से अंदर आता है ये ऑटोमेटिकली धपक करके बंद हो जाता है। तो खुलता भी तो होगा ना किसी तरह? खुलता है ना, ये खुलता है चाबी से। तो चाबी कहाँ है? चाबी, ए चाबी तो बाहर छूट गया। हाँ चाबी हमारे सामान के साथ बाहर छूट गया, पर तुम चिंता मत करो कोमलिका, हमारे गाड़ी में देखो हम तुमको बता रहे हैं, होटल का भाई बंधु लोग आएगा, वो लोग दरवाजे तोड़ेगा उसके बाद से ही दरवाजे खुल सकता है, ऐसा कोई चांस नहीं है साड़ी। सुनो तो, अरे किधर जा रहा है तुम? अरे बीच में सुंदरी, वो इंटरकॉम खराब है और नेटवर्क का गोंडोगोल रहता है इधर, फोन नहीं लगेगा। संतु तुमने जैमर लगवा दिया है ना? हाँ हाँ, अच्छे से। ये मिशन स्टार्ट होने से पहले मैंने और चीती ने अच्छे से पूरा सेटअप किया, जैमर चालू कर दिया, अब ना कोई फोन आ सकता है ना कोई फोन जा सकता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सुंदरी हम क्या बोलता है कि जब किस्मत ने हम दोनों को ये मौका दे ही दिया है, क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर ये मौका का भरपूर पूरा खूब ज्यादा फायदा उठाएं, क्या बोलता है तुम? हम तो बेताब है। कहाँ गई कमली? अरे अरे कहाँ चली गई? हमको तो इधर है, इधर है। हम क्या बोलते हैं, हम भी कोशिश कर रहा है, हम फोन लगाएगा, होटल का किसी भाई बांधु को बुलाएगा, ये दरवाजा खुलवाएगा, फिर तुमको यहाँ से फूट से करके उड़ा देगा, तुम चला जाना। हमको मालूम चल गया है कि तुम यहाँ पर गलती से चला आया है ना? हाँ, अभी तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर इत्मीनन से बैठो, हम तुम्हारे लिए काफी बनाएगा। बीच में सुंदरी, हम तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया है, एक कॉफी पियो, हम कोशिश करता है ठीक। सॉरी, चिल्लाना नहीं, हम डबल कपड़ा जाता है, तुम जाओ कपड़ा चेंज कर लो, धो लो उसको, सब कर लो सॉरी। चलो अब बहुत देर हो गया, चंद्रिका को वहां से निकालो, हमारा काम हो गया है। संतु मैं जैमर ऑफ कर देती हूँ, फिर वो रिसेप्शन से हेल्प लेके निकल सकती है वहां से। फोन ही नहीं उठा रही। कहां थे तुम? टाइम देखा है क्या हुआ है? मैं वो अपने फ्रेंड के यहां गई थी। कौन सी फ्रेंड? मैंने तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को फोन किया, तुम किसी के साथ नहीं थी। तुम उसे नहीं जानते? नई बनी है, हाल ही में। क्या नाम है तुम्हारी उस नई फ्रेंड का? फ्रेंड का नाम वो मानसी, नहीं मालती। फोन मिलाओ उसे, मुझे उससे अभी बात करनी है। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी फ्रेंड से आज ही मिलना है, वरना 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 यह साबित हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो। आज ही का दोस्त कहां से पैदा करूं? तो आप हैं मेरी वाइफ की नई फ्रेंड मालती? मालती नहीं, मानती। तो आपका नाम मालती नहीं, नहीं मानती? मालती ही है। लेकिन अभी तो आपने कहा नहीं मानती। नहीं, नाम मेरा मालती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसा हस्बैंड अपनी वाइफ पर शक कर रहा है। तो आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? कैसे हुई मतलब? अब वैसे ही जैसे दो लड़कियों के बीच होती है। कैसे होती है? एवी। पहली बार आप दोनों कहाँ मिले थे? कैफे में। इनके कहने का मतलब है जिम में, जो कैफे है वहां मिले। एग्जैक्टली। कौन से जिम में? फिट एंड फाइन। लेकिन मेरी वाइफ तो पावर ब्लास्टर जिम में जाती है। अरे रोहित, उस दिन मैं फिट एंड फाइन जिम गई थी, वनडे का फ्री ट्रायल था ना, इसीलिए जस्ट फॉर ट्रायल। ट्रायल ऐसे आ रहे थे हम। तो कल रात आप दोनों साथ में थी? जी हाँ। हाँ कहाँ? मेरे घर पे। हम बातें इतनी कर रहे थे कि टाइम का पता ही नहीं चला, इसलिए इन्हें लेट हो गया आने में। बहुत बातें करती है रोहित ये। एक्सक्यूज मी,
हुआ रोहित? क्या है ये? तो ये है तुम्हारी सच्चाई? तो कल रात तुम अपनी सहेली के साथ नहीं, इस आदमी के साथ थी होटल के रूम में? नहीं रोहित, ये सच नहीं है, ये गलत है। इन फोटोज के अलावा और कुछ बचा है तुम्हारे पास बताने के लिए? सच मेरे सामने है, जो समझना था मैं समझ चुका हूं, और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू चंद्रिका। तुमने रोहित से झूठ कहा ही क्यों? शुरुआत से ही उसे सच बता देती। कैसे बताती मैडम सर, कहानी में फच्चर इतने सारे थे ना। अब कल कोई फोन खराब दिवस तो था नहीं कि भाई जिस होटल के कमरे में ये थी वहाँ का इंटरकॉम, इनका फोन, जिस आदमी के साथ थी उसका फोन, सबके फोन खराब हो गए थे, जो रोहित मान लेता ये बात नहीं ना मानेगा। मैं कसम खा के कह रही हूँ मैम, मैं सच बोल रही हूँ, यही हुआ था मेरे साथ। और मैं बताती भी तो क्या बताती रोहित को कि किसी राह चलते आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरा पति किसी और औरत के साथ होटल के कमरे में है, और मैंने बात मान ली और मैं पहुंच गई, क्योंकि मुझे रोहित को रंगे हाथ पकड़ना था होटल के कमरे में, और वहां पर मैं खुद एक अजनबी इंसान के साथ घंटों होटल के कमरे में बंद थी। शायद इसीलिए मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। आप सही कह रही है मैडम, कौन करेगा मेरी इस कहानी पे विश्वास? कोई नहीं करेगा। तुम्हारे पति के बारे में तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुम फौरन मान गई? एक सेकंड के लिए भी रुककर ये नहीं सोचा कि आप किसके बारे में ये सोच रही हैं? एक अजनबी जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं हो, उसने तुम्हारे पति के बारे में कुछ कहा और तुमने विश्वास कर लिया? चंद्रिका, अगर एक राह चलता इंसान आपके सालों के रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ सकता है, तो फिर तो उसे तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं, और भरोसे के बिना किसी भी रिश्ते में कोई मतलब नहीं होता। देखो चंद्रिका, जिस तरह से इस सिचुएशन में तुम चाहकर भी अपने पति से सच नहीं कह पाई, हो सकता है कि रोहित को हजारों बार इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ता हो और वो तुमसे कभी डिस्कस नहीं कर पाता हो। हो सकता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए देर रात तक फोन पर बात करनी हो। हो सकता है कि अपनी फीमेल बॉस से प्रमोशन हासिल करने के लिए उसे शायद उसके पर्सनल काम करने पड़ते हो। अपना डेडिकेशन, अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत प्रूव करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ता हो। दुनिया भर के सारे एडजस्टमेंट्स, सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो सबको करने पड़ते हैं, जो हम सब करते हैं, लेकिन वो तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया। और तुमने क्या किया? शक किया, उसकी हर चीज का गलत मतलब निकाला। जानती हो, एक ही चीज है जो हमें बेईमान होने से रोकती है, किसी का हम पर पूरा भरोसा, किसी का हम पर अटूट विश्वास। उस भरोसे को, उस इंसान को खोने का डर ही हमें ईमानदार बनाए रखता है। एक भरोसा ही है जिसकी वजह से हम हमारी हदें कभी पार नहीं करते। अब अगर वो ही नहीं रहा तो फिर किस नाम का रिश्ता? चंद्रिका, तजुर्बा कहता है हमारा कि जितनी जरूरत हमें रिश्तों की होती है, उतनी ही जरूरत रिश्तों को हमारी भी होती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है अपने रिश्तों को संभाल कर रखना, सहेज कर रखना, और इस शक की गंदी बीमारी से हमेशा बचा कर रखना। तुम्हारे प्राइवेट डिटेक्टिव योगी ने हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये लीजिए, यह है ओरिजिनल फोटोज, और यह है फोटोशॉप की हुई फोटो। इसका एड्रेस मैंने ढूंढा। हाँ, इन दोनों फोटोज को एक साथ मिलाया, तुम्हारे पति रोहित के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और तुमसे मोटे पैसे वसूले। उस टोपा इंसान का यही काम है कि तुम जैसी शक्की बीवी का इमोशनल इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर उनको उल्लू बनाकर उनसे पैसे हैठना, ये काम है उसका। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। रोहित जैसे अच्छे इंसान को खो दिया। सब मेरी गलती है, कैसे मेरे जैसी पत्नी अपनी ईमानदारी पे भरोसा दिला सकती है, जो खुद अपने पति पे भरोसा ना करती हो। सब मेरी गलती है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है चंद्रिका।
क्योंकि तुम मेरी चंद्रिका हो, मेरी पत्नी चंद्रिका, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये फोटोज भी उसी तरह से फर्जी हैं जैसे मेरी फोटोज थी। और इन फोटोज में जो आदमी है वो हम थे, रेस्पेक्टेड कांस्टेबल श्री चीता चतुर्वेदी जी, थाना स्टाफ महिला पुलिस थाना। थैंक यू मैडम सर। हाँ चंद्रिका, ये एक छोटा सा नाटक था। हम इस योगी डिटेक्टिव को तो पहले ही पकड़ चुके थे, लेकिन हमारा असली मकसद था तुम्हारी आंखें खोलना, तुम्हारी मैरिड लाइफ बचाना और इस शक के कीड़े से तुम्हें जिंदगी भर के लिए बचाना। इलाज हो गया मैडम, मरीज ठीक हो गया। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसा इलाज इस थाने में ही मुमकिन था। I'm sorry. अब कभी शक नहीं करूंगी। I promise. गुड, इसी तरीके से एक दूसरे पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी में ना बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे भरोसे को, तुम्हारे प्यार को तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपनी मोहब्बत पर एतबार होना बहुत जरूरी है। अब हमें ही देख लीजिए, हमारी तो अब तक सगाई भी नहीं हुई, लेकिन हमारे प्यार को, हमारे यकीन को हिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपने प्यार पर और उसकी नींव पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।